उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बिहार घूम रहे हैं। देखिए, आज नालंदा जिला पहुंचे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे, जो भीड़ उमड़ी उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ नालंदा जिला की है। ये वही जिला है जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। नीतीश कुमार का ये गृह जिला है और इस गृह जिले में भी जब चिराग पासवान पहुंचे हैं तो हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। पूरा मैदान जो है वो भर गया है, लेकिन उन सभी के सामने चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में शिक्षा ठीक नहीं है, पलायन हो रहा है, हमारे युवा बाहर जाने को मजबूर हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन हैं? सिर्फ नीतीश कुमार हैं। नालंदा जाकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर खूब कटाक्ष किया है, चुनौती दे डाली है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज भी मजबूत कर दूसरे प्रदेश आने के लिए मैंने दिल्ली में रहा, मुंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई करके भी कोई लड़का लड़की बिहार आता रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश आना पड़ता है? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। बुजुर्गों को देखता हूँ, दिल्ली में जाते हैं, इनके सामने लाइन लगा रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? ये सवाल हमें खुद से पूछने की जरूरत है। क्या गलती हुई कि भैया एक के बाद एक जो सरकारें हमने चुनी, जिनको अपना नेतृत्व दिया, जिनको अपना मुखिया माना, भाई बदले में उन्होंने हमारे लिए क्या किया? ये आज हम लोग को सोचने की जरूरत है। आज भी अगर हम लोग जातीयता में बटे रहे, आज भी अगर हम लोग सांप्रदायिकता में बटे रहे, जो कि कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं, सूट करता है कई ऐसे राजनीतिक दलों को, सूट करता है कई ऐसे नेताओं को जो हमें बांटने का काम करते हैं। दशकों से हमें बात आ गया, कभी दलित को महादलित किया, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लाल, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ बांटने की राजनीति की। आपने बांटा मुख्यमंत्री जी, हम लोग बटे भी, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? क्या हमें बेहतर शिक्षा मिली? क्या हमें रोजगार के अवसर मिले यहाँ पर? क्या हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिली यहाँ पर? और साथियों, लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री सुशासन पुरुष, मुख्यमंत्री विकास पुरुष। हकीकत है, आज अगर बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? ने वीडियो देखा, हजारों की संख्या में जो लोग जुटे, भीड़ उमड़ी, उन सभी के सामने चिराग पासवान ने क्या कहा है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। चिराग पासवान सभी को बनना होगा। क्या सभी युवा चिराग पासवान बनेंगे? सवाल ही पूछा है और युवा उत्साहित थे। आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।